खरगोन के जिला चिकित्सालय में अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से एक की मौत हो गई, जिससे परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। हम आपको बता दें कि रामेश्वर सेन को 3 दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार में लापरवाही बरतने पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही उजागर करते हुए खुलासा किया कि बाजार से बुलाए जा रहे इंजेक्शनों में जम कर कालाबाजारी हो रही, जिसकी जांच की जाए। वहीं सिविल सर्जन दिव्येश वर्मा ने ऑक्सीजन से पर्याप्त सिलेंडर बताकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बहरहाल घटना के बाद जिला अस्पताल की लापरवाही के साथ इंजेक्शन की कालाबाजारी की बात उजागर हुई है, जिसे देखने वाली बात यह है कि आगामी समय में शासन प्रशासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम शुभम सोनी है और नाम रामेश्वर सेन है। मेरे दोस्त के दादाजी हैं और वो 3 दिन से एडमिट थे और कल रात में एकदम से पूरे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया। 3 घंटे के लिए 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया। यहाँ पे जितने भी मरीज थे सब हालत गंभीर हो गई है। हमारे दादाजी ने भी उसके पहले थूली खाई आराम से बैठे और उसके बाद एकदम से ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उनको एकदम से जो सेचुरेशन लेवल था 94 से 96 आ गया और 96 आने के बाद उनको एकदम से झाग आ गया और इतनी बड़ी घटना हो गई कि ऑक्सीजन अस्पताल में खत्म हो गया। उसके बाद भी कोई भी डॉक्टर, कोई बड़ा डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था और यहाँ पे सिर्फ इतने दिन से 2 नर्स के ऊपर पूरा इलाज हो रहा है और कोई बड़ा डॉक्टर यहाँ पे आ नहीं रहा है और जिम्मेदारी भी ले नहीं रहा है। और उसके बाद भी प्रशासन भी कह रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन था, जब ऑक्सीजन था तो 3 घंटे ऑक्सीजन बंद क्यों हुआ, इसकी हमारी पूरी जानकारी चाहिए। और उसके बाद क्या यहाँ पर जो भी इलाज हो रहा है तो एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, वो ही लिख रहे हैं जिसका 6 डोज होता है और ये पूरे खरगोन में नहीं है। डॉक्टर लिखे जा रहे हैं पर एक भी मेडिकल पे निकल, हम सब मेडिकल पे घूमे, कहीं पे वो 5400 का है, कहीं पे वो 2000 का है, कहीं पे वो 4000 का है। उस इंजेक्शन की खरगोन में हर मेडिकल पे कालाबाजारी हो रही है जिसकी जानकारी अभी तक कोई ओपन नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल है उसकी पूरी जाँच होना चाहिए। और आज तो हमारे ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ये हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये हॉस्पिटल वालों ने हत्या करी है तो उसकी हमारे वो चाहिए पूरी जानकारी और जिम्मेदारी इनकी रहेगी। और जो भी जिम्मेदार नागरिक है यहाँ के उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर रोज हर दूसरे दिन क्राइसिस कमेटी की मीटिंग हो रही है, मीटिंग में फैसला ले देते हैं कि बड़े बड़े ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आने तक मेन गेट पर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है और कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था करी है तो व्यवस्था के नाम पर बस ये बड़े बड़े बोल देते हैं बोल और होने के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हालात कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं होने के कारण हमारे दादाजी शांत हो गए और ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन कैसे खत्म हो सकता है? आईसीयू में मरीज भर्ती है और ऑक्सीजन खत्म हो गया और डॉक्टर बोल रहे हैं ऑक्सीजन था जबकि डॉक्टर खुद मौजूद ही नहीं थे। तो हमारी तो यही मांग है कि जो भी इसके अंदर अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। रामेश्वर से। आपका नाम? शुभम सोनी। कब एडमिट करवाया था? 3 दिन पहले एडमिट करवाया था। सामने आया जिसके चलते अभी आज ही की शायद घटना है कि किसी की मृत्यु भी हो गई है। 3 घंटे तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे जिनके कारण उनका सेचुरेशन वगैरह की भी कुछ रेट वो बता रहे हैं परिजन भी, तो उस पर ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है? ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म तो कभी नहीं हुए है, ना रात को है ना अभी हुए हैं। रात को भी मेरे पास 100 सिलेंडर आए हैं और सबको बराबर ऑक्सीजन मिल रही है ना। और जो डेथ हुई थी वो जो हमारे जो भाई हैं एज भी ज़्यादा थी, उनको बायलेटर निमोनिया था, वेंटिलेटर पे भी रखा था हमने रात से, कल दोपहर तक वो अच्छे से चलते भी रहे थे। सडनली उनका निमोनिया इनकी जो उनका एंटीजन का टेस्ट जो है वो निगेटिव आया था और बाकी जो एंटीबायोटिक वगैरह जो है हम जो कोविड प्रोटोकॉल में दे रहे हैं उसी तरह की एंटीबायोटिक भी दे रहे थे, पर उनका सेचुरेशन इंस्पेक्ट ऑफ गिविंग 15 से 16 लीटर पर मिनट के हिसाब से, उसके बाद भी उनका सेचुरेशन कम होता है। रात को जब उनको वहाँ पर ICU किया था तो 47% था, फिर वो बढ़ के 60% हुआ और आज सुबह भी करीबन 45-46 रहा है। सारी कुछ कोशिश करने के बाद भी उनको हमें बता नहीं सकते। गत दिन अभी मतलब कल शाम की ही बात है शायद, ये एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो मरीज खुद एडमिट थे यहाँ पर वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ले जाते दिखे हैं, तो उस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हाँ, उस वीडियो में मेरी ये प्रक्रिया है कि किसी ने जो वायरल करने के लिए जानबूझकर खाली सिलेंडर को ले जाते हुए उसका वीडियो बनाया है। अदरवाइज हम कभी किसी भी मरीज को यदि कोई ऑक्सीजन जिसको लग रही है वो क्या सिलेंडर को ले जा सकता है? 100 जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसको चलने में उसकी सांस फूलती है तो सिलेंडर को कैसे ले जा सकते हैं?
तो वीडियो वायरल करने के लिए किसी ने इस तरह का वीडियो बनाया है, और बल्कि मैं खुद रात के 10 बजे से 11 बजे तक नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि एक हमारी जो ऑक्सीजन की जो थोड़ी किसी ने मुलाद दी थी ख़त्म हो गई है। जब मैं आया था उस समय 10:30 बजे 40 सिलेंडर मेरे छोटे वाले थे भरे हुए, और 6 सिलेंडर हमारे एसएनसीयू के भरे वाले थे उनका हम उपयोग कर रहे थे, और 3 सिलेंडर हमारे आईसीयू का जो मेडिकल आईसीयू वहाँ के भी, ये सब भरे इतने सिलेंडर थे, और गाड़ी आते तक ये सिलेंडर हमारे पास थे, ख़त्म नहीं हुए, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पर शॉर्टेज ज़रूर आ रही है। और उसी के लिए मैं आज इंदौर से भी बात किया हूँ, हमारी सीएम एजेंसी है उससे, तो बोले उनके पास भी जो प्रोडक्शन लाइन है वो कम हो गई है, तो एक मित्तल गैस एजेंसी से वो भरवा के दे रहे हैं, तो मित्तल वाले के पास भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हमारी कल 2 गाड़ियाँ करीबन उसके पास हमारे 311 सिलेंडर यहाँ से जम्मू वाले रखे हैं, जिसमें से उसने 100 सिलेंडर भर के दिए हैं। आज 50 सिलेंडर की गाड़ी वहाँ से लोड होकर अभी आ रही, और रात में और आ जाएगा। उन्होंने वहाँ के एडीएम से, अपने यहाँ के एडीएम से भी बात हुई है, कलेक्टर मैडम से भी बात हुई है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सप्लाई को निरंतर रखें। अपने ज़िले में हम लोगों ने कोविड जब से स्टार्ट हुआ है 500 ऑक्सीजन के जम्बो सिलेंडर खरीदे हैं, जो अपने स्टेट के किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। तो हमारे पास एक अत्या की जहाँ से सप्लाई हो रही, और वो एक ही एजेंसी है शिवम वाली, और शिवम वाला भी अब मित्तल से ले रहा है, जिसका कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट है, इसका प्लांट है, बिल्कुल इसका प्लांट उतना पूर्ति कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इंदौर संभाग में जितने भी ज़िले हैं सबको ऑक्सीजन वहाँ से सप्लाई हो रही है। अपने यहाँ जो दांगी वाला जो था उससे भी हमारा कांटेक्ट था, उसने भी हमें बोला था कि हम आपको सप्लाई करेंगे, पर वो भी जो दांगी है वो भी वो शिवम से ही ले रहा है, तो शिवम ने उसको भी देना बंद कर दिया, तो एक थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, पर ऑक्सीजन स्कार्सिटी या कम ख़त्म बिल्कुल नहीं हो रही है। जी आपका नाम सर? डॉक्टर दिवेश सर। किस पोस्ट पर? हमें पोस्ट पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।